नमस्कार स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो मैं आपको लेकर के आया हूँ वो क्लास 5 का टॉपिक है और FRP को बाईपास करने का तरीका। जैसे कि मैंने आपको क्लास 4 का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि FRP को बंद कैसे करेंगे, लेकिन आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ FRP को बाईपास करने का तरीका, बिल्कुल फ्री वाला मेथड कि कैसा फ्री में मेथड बहुत आसान तरीके से हम मोबाइल फ़ोन में FRP को बाईपास कर सकते हैं और बाईपास करना कितना आसान है, कितना सारा सरल है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर संबंधित आपको वीडियो दे रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर क्लास का आपको टोटल वीडियो देने वाला हूँ। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल जीरो हैं, अगर वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की लाइन में काम करना चाहते हैं या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको ये देखते हैं कि यार मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स को कितना आसान तरीक़ों से सीखा जाएगा, या इस कोर्स को सीखना कहीं कठिन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि मैं इस कोर्स को सीख पाऊँगा कि नहीं सीख पाऊँगा। तो ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए डेमो वीडियो बनाता हूँ ताकि वो लोग देखें कि कितना आसान तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को सीखा जा सकता है और उसको सीखने में कोई कठिनाई नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप लोग सीख सकते हैं, बस आपको सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक भैया कोशिश नहीं करोगे, बैठे रहोगे, हाथ पे हाथ धरे, तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ऐसे हेल्पफुल होने वाली है जो लोग ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं या हार्डवेयर का काम कर रहे हैं लेकिन सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर पाते। अगर मार्केट में देखा जाए तो 100 लोग में से 30% लोग ही सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, 70% लोग सॉफ्टवेयर का काम कर ही नहीं रहे, वो खाली टच काम, वो स्पीकर रिंगर माइक उसी पे सीमित हैं, या तो कहीं जाकर झोला भर के मोबाइल फ़ोन जाते हैं ठीक कराते हैं और या वहाँ से अनलॉकिंग फ्लैशिंग करवा के लाते हैं, कस्टमर से 50 का 100-150 रुपये लेते हैं। लेकिन अगर वो अपना समय निकाल कर अगर सीख लेते हैं तो भैया आप अच्छी तरीके से काम करेंगे। जैसे आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास YouTube के माध्यम से उन लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, उन्होंने एक अपना डोंगल के एक ऑर्डर किया हुआ है कि एक डोंगल मंगाया, UMT Pro डोंगल मंगाया हुआ है, मैंने आज उनको पार्सल भेजा हुआ है। वो लोग मालदा टाउन के रहने वाले हैं, कलकत्ता के रहने वाले हैं। तो सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना कमेंट जरूर करिएगा कि आज मैंने आपको कुरियर का पर्ची भी दिया हुआ है, वो अपना डोंगल मंगा लेते हैं ताकि वो डोंगल से सीखते हैं, अपना प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं कि भैया कैसे इस चीज़ को सीखा जाएगा। सीखने में अगर थोड़ा बहुत खर्चा लग रहा है तो आप अपने लिए मेहनत भी कर सकते हैं कि भाई खर्चा भी कर सकते हैं कि चलिए सीखने के लिए अगर 100-200-500 बैठे बैठे खर्चा लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उससे सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो में चलता हूँ कि मैं वीडियो में बताता हूँ कि FRP को बाईपास करने का तरीका, FRP को बाईपास कैसे किया जाएगा। सबसे पहली बात करते हैं, यदि हमारे पास कोई भी ओप्पो रियलमी का मोबाइल फ़ोन आता है, उसमें FRP लॉक लग जाता है कि वो नेक्स्ट करने को बोलता है, नेक्स्ट करने के बाद वो बोलता है कि Gmail ID पासवर्ड डालो तभी आप जा पाओगे, नहीं तो नहीं आगे नहीं जा सकते। तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं, आप बैक आ जाओ, पीछे आने के बाद जो इमरजेंसी का ऑप्शन आता है उस इमरजेंसी वाले ऑप्शन में जाएंगे। इमरजेंसी ऑप्शन में आप एक कोड टाइप करेंगे *813#, उसके बाद कॉल कर देंगे, कॉलिंग का बटन होता है आप उसके प्रेस कर देंगे। जैसे आप *813# कॉल वाली बटन दबाएंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में FRP बिल्कुल छूम अंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तुरंत डेस्कटॉप की स्क्रीन आ जाएगी, मतलब मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन आ जाएगी और आप मोबाइल फ़ोन को फंक्शन खोलिए, बस FRP गायब। तो कुल मिलाकर के जो ओप्पो रियलमी का मोबाइल फ़ोन आता है, ओप्पो के रियलमी के मोबाइल फ़ोन में *813# और कॉल कर देंगे तो FRP क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि जैसे हमारे पास यदि MI का फ़ोन आ जाता है, वीवो का फ़ोन आ जाता है, टेक्नो का फ़ोन आ जाता है, सैमसंग का फ़ोन आ जाता है, उस मोबाइल फ़ोन में कैसे FRP बाईपास करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि हमारे पास MI, ओप्पो, वीवो, रियलमी कोई भी कंपनी का फ़ोन आता है, एनी फ़ोन, कोई भी कंपनी का यदि मोबाइल फ़ोन आ जाता है तो आप उसको FRP बाईपास कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, क्या कोई भी मोबाइल फ़ोन आ जाता है यदि आप उसमें FRP बाईपास करना चाहते हैं तो बाईपास करने का क्या होता है, बहुत सारे ट्रिक होते हैं। उन सारे ट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको YouTube का हेल्प लेना पड़ेगा, YouTube की मदद लेनी पड़ती है, उस मदद के सहायता से ही आप लोग क्या कर सकते हैं, FRP को बाईपास करते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी मोबाइल फ़ोन आ जाए, किसी भी कंपनी का कोई भी मोबाइल फ़ोन आ जाता है, अगर आप उसमें FRP को बाईपास करना चाहते हैं तो बाईपास करने के लिए सबसे पहली बात क्या, उसमें Gmail ID पासवर्ड मांगेगा, इसका मतलब होता है FRP लग गया है। FRP लग का लॉक जो होता है वो उसी फ़ोन में
डिपेंड करता है कि उसके अंदर एक गूगल का फंक्शन होता है। अगर आप गूगल का फंक्शन खोल लिए तो समझ लिए एफ आर पी लॉक तोड़ लिए। अब गूगल कैसे खोला जाएगा, ये गूगल का जो ट्रिक होता है ये हम लोग यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं कि इसमें किस माध्यम से गूगल खोला जाएगा। जैसे हम गूगल खोल लेंगे तो गूगल खोलने के बाद कुछ एप्लीकेशन है उनको हम ओपन करेंगे, उसके बाद हम लोग एफ आर पी को खोल देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं गूगल को खोलने के लिए हमको यूट्यूब की मदद लेनी पड़ती है कि यूट्यूब कोई ना कोई ट्रिक होती है, किसमें एल दबाना होता है, किसमें दो उंगली करनी होती है, किसमें नेटवर्क सेटिंग में जा करके तब कहीं यूट्यूब खुलता है, फिर गूगल खुलता है, उसके बाद वो फंक्शन मिलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि जब किसी भी मोबाइल फ़ोन से एफ आर पी बाईपास करेंगे तो कई बार जो हम लोग यूट्यूब से वीडियो देखते हैं तो वीडियो के माध्यम से यार एफ आर पी खुलता नहीं है, तो एफ आर पी खुलता नहीं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कहीं यार वीडियो बेकार है, दूसरा वीडियो देखते हैं। लेकिन वीडियो एक्चुअली बेकार नहीं होती, वो वीडियो जिस पर्सन ने जो बना करके डाला है एफ आर पी बाईपास करने का तरीका बना के डाला है। मान लिया एग्जाम्पल सी बात आती है, अगर मान लिया मेरे पास एम आई का 5A मोबाइल फ़ोन है, उसमें हमने जो एफ आर पी बाईपास करने का जो वीडियो बनाया हुआ है वो जब उसमें 6 वर्जन था तब वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बाद कल को हमने अपडेट कर दिया 7 वर्जन हो गया, फिर जब उसमें एफ आर पी लग जाएगा तो उसमें फिर 6 वर्जन के तरीके से एफ आर पी बाईपास नहीं होगा, फिर तुमको 7 वर्जन वाला देखना पड़ेगा कि 7 वर्जन में एफ आर पी बाईपास कैसे किया जाएगा। इसका मेरा कहने का मेरा समझाने का मतलब है कि एंड्रॉयड फ़ोन में जो एफ आर पी बाईपास करने का तरीका जो होता है वो उसके वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसमें वर्जन कौन सा है। जिस चीज़ में जैसा जैसा वर्जन होगा तो उसी तरीके से उसमें एफ आर पी को बाईपास किया जाएगा। तो ओप्पो रियलमी में *813 कॉलिंग कर देंगे तो मोबाइल फ़ोन में एफ आर पी को बाईपास कर देंगे। उसके बाद एनी मोबाइल फ़ोन में आपको क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे मॉडल के द्वारा आपको YouTube की हेल्प लेनी पड़ेगी। YouTube में क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको सर्च करना पड़ेगा एम आई 5A एफ आर पी बाईपास, इसमें आपको ट्रिक देखना है। क्या देखना है, ट्रिक देखना है। इस ट्रिक में यह देखना है कि गूगल को ओपन कैसे करेंगे। क्या देखना है, गूगल को ओपन कैसे करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद आप उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने को बोलता है कि ये वाली एप्लीकेशन करो, ये वाली करो, इसके द्वारा खुलेगा, इसके द्वारा खुलेगा। तुमको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ। एक या गूगल पे जाके टाइप करेंगे, गूगल में टाइप करेंगे vnrom.net/frp-bypass। क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइए ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। आप गूगल में टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, vnrom.net/frp-bypass। ये क्या करेंगे, गूगल पे टाइप करेंगे। जैसे आप गूगल पे टाइप करेंगे तो गूगल में लिख करके आएगा vnrom.net/frp-bypass, ये आप साइट खुल जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, हम लोग गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद गूगल में आपने टाइप किया vnrom.net/frp-bypass। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें देखेंगे इस तरीके से ये हमारी वेबसाइट क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। ये देखिए, ये गैलेक्सी स्टोर है, गूगल क्विक सर्च बॉक्स है, सेटिंग है, स्क्रीन स्मार्ट लॉक है, ऐसे बहुत सारी खुल जाएंगे। और भी नीचे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये खुल जाएगी। ये हमारे जैसे एंड्रॉयड GAM का मतलब होता है गूगल अकाउंट मैनेजर, गूगल अकाउंट मैनेजर GAM, ये है। ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है, ये तुम्हारी अपेक्स लॉन्चर आती है इसका भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, क्विक शॉर्टकट मेकर होता है इसका भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों एप्लीकेशन का जो होता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के बाद हम लोग एफ आर पी को बाईपास कर देते हैं। अब देखिए यूट्यूब में कैसे सर्च करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे आपने गूगल खोल लिया, गूगल के बाद यूट्यूब खोल लिया,
YouTube खोलने के बाद आप YouTube में सर्च करेंगे, MI 5A FRP बाईपास। जैसे आप YouTube में खोलेंगे MI 5A FRP बाईपास, जैसे आप खोलेंगे तो इसमें ऐसा एप्लीकेशन में खुल जाएगा। आप कोई भी वीडियो जो आपको ट्रस्टेड वीडियो लगी, अच्छी लगी है, जिसकी रेटिंग ज़्यादा है, तो इस तरीके से वो भी अपने हिसाब से वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जैसे वीडियो ओपन करेंगे तो वो बताएगा कि कैसे कैसे FRP को बाईपास किया जाएगा। वो आपको वीडियो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इस तरीके से वीडियो क्या करेगा, शो करेगा। इस वीडियो का एक ही मकसद होता है कि वो किसी न किसी बहाने से गूगल खोलेगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाता भी हूँ। ये वाईफाई नेट से कनेक्ट कर लिया है। नेट से कनेक्ट करने के बाद अब ये किस माध्यम से गूगल खोलेगा, इसमें हर एक फ़ोन में अपना अपना थोड़ा थोड़ा फीचर होता है। देखिए FRP लॉक होता क्या, ये भी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये FRP लॉक मांग रहा है, वो जीमेल आईडी पासवर्ड मांग रहा है। नेट करेंगे तो वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप बैक करिए। बैक करने के बाद जैसे आप बैक कर लेंगे, तो बैक करने के बाद दो उंगली को दबाइए। जैसे दो उंगली को क्लिक करते हैं, एल दबाने को बोलेगा। दो उंगली को प्रेस किया, एल प्रेस करेंगे, ऐसा एक सेटिंग खुल जाएगा। ये सारी हिडन सेटिंग होती है जो वीडियो को देख करके, वीडियो के माध्यम से ही आपको क्या करना होता है, खोलना होता है। अब ये जितने भी सारी सेटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसका कुल मिलाकर के उसका एक ही मकसद है, वो घूम फिर करके गोल 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 जलेबी की तरह घुमाएगा और आपको गूगल खोल के दे देगा। एक ही मकसद है कि गूगल खोलेगा। तो आपको कई सारी अलग अलग वीडियो देखते हैं, उन वीडियो को देखने का मकसद एक ही होता है कि देखिए यूट्यूब खुल गया, क्लिक करेगा, ब्राउज करेगा, टर्न पॉलिसी में जाएगा, नहीं हो रहा है फिर दोबारा करेगा, ये खुल गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर गूगल का ऑप्शन आ जाता है, ये गूगल आ गया, अब गूगल खुल गया। बस ये सी कला कारी है। अब यहाँ पर आपको टाइप करेगा Apex लॉन्चर। Apex लॉन्चर टाइप करने के बाद उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये देखिए डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद इस Apex लॉन्चर को क्या कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद हमको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप Apex लॉन्चर को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ये Apex लॉन्चर क्या करता है, एक अपनी विंडो खोल देता है। देखिए ये Apex लॉन्चर अपनी विंडो को जैसे ओपन कर देगा, विंडो ओपन करने के बाद ये देखिए ऐसा स्क्रीन में खुल जाएगा। ये स्क्रीन खुल गया। स्क्रीन खुलने के बाद अब वो सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप हम लोग क्या करेंगे, डेवलपर वाले ऑप्शन को ढूंढेंगे। अगर हमको डेवलपर नहीं मिल पाता तो फिर वही पुराना तरीका, हम लोग पीछे जाएंगे, अबाउट में जाएंगे। अबाउट में जाने के बाद 3 टाइम क्लिक करेंगे, डेवलपर को ऑन करेंगे। ये देखिए हमारा डेवलपर चालू हो गया है। डेवलपर चालू होने के बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जाना है OEM। OEM को क्या कर देना है, ऑन कर देना है, इनेबल कर देना है। OEM को इनेबल करने के बाद फ़ोन को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप किसी भी मोबाइल फ़ोन को रीसेट कर दीजिए। जैसा फैक्ट्री रीसेट कर देंगे, इरेज ऑल डाटा, फैक्ट्री रीसेट डाटा, आपका मोबाइल फ़ोन डाटा खाली हो जाएगा, फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा, बस आपके मोबाइल फ़ोन में FRP बाईपास हो गया। ठीक है, कि ये हमारे मोबाइल फ़ोन में FRP बाईपास करने का तरीका मैंने आपको बताया कि इस तरीके से कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है तो उस मोबाइल फ़ोन में हम लोग क्या कर सकते हैं, FRP को बाईपास कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमको क्या करनी पड़ेगी, यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ेगी। कोई भी ऐसा आज तक यूट्यूबर नहीं है जिसने सारे मोबाइल फ़ोन में FRP बाईपास करने का तरीका डाल रखा हो। किसी में कुछ डला हुआ है, किसी में कुछ डला हुआ है, किसी में 7 वर्जन का है, किसी में 8 वर्जन का है, किसी में 9 वर्जन का है, किसी में 10 वर्जन का है। इसलिए हमको कई अलग अलग जगह से हमको वीडियो को देखना पड़ता है, वीडियो के माध्यम से हम लोग FRP को बाईपास करते हैं। ओप्पो रियलमी में कोई दिक्कत नहीं, कोड जिंदाबाद है, डालिए लॉक खुल जाएगा। लेकिन यदि और मॉडल आते हैं तो और मॉडल में आपको एनी फ़ोन में यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा, उसमें टाइप करना पड़ेगा FRP बाईपास करने का वीडियो,
और देखना पड़ेगा ट्रिक, ट्रिक देखना पड़ेगा। ट्रिक के बाद गूगल गूगल ओपन होगा, फिर ये एप्लीकेशन से भी आप डाउन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके FRP को बाईपास कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन को जब कस्टमर रीसेट कर देता है तो रीसेट करने के बाद उसमें FRP लॉक लग जाता है। तो FRP लॉक को तोड़ने के लिए हम लोग इस प्रोसेस को अपनाते हैं और FRP लॉक को तोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से, किस माध्यम से हमारे मोबाइल फ़ोन में FRP लॉक को तोड़ा जाता है, या FRP लॉक को बाईपास किया जाता है, या FRP लॉक को हराया जाता है। तो वीडियो को देखें, अच्छे से समझें, और जो भी सारा टॉपिक है, ये सारे एक एक टॉपिक को क्या करें, अच्छे से नोट करते रहें और समझते रहें। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है तो हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, 6391711711। और अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग है, लैपटॉप रिपेयरिंग है, LED स्मार्ट TV की रिपेयरिंग है, इस तरीके से अगर आप कोई भी टेक्निकली रिपेयरिंग का कोई कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर में आपको जितने भी सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको डीपली अच्छे से समझाया जाता है, सिखाया जाता है, ताकि सारी चीज़ों को सीख करके आप किस तरीके से अपनी मोबाइल फ़ोन की दुकान खोल सकते हैं, या अपनी जो मोबाइल फ़ोन की दुकान है उसमें कंप्लीट तरीके से बैठ करके अच्छे से काम कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों सीखने का जो समय रहता है, मात्र आप 45 दिन का सीखने में समथिंग समय लगता है। 45 दिन के अंदर जितने भी सारे फ़ोन आते हैं, सारे फ़ोनों के सारे फॉल्ट्स के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दिया जाता है, ताकि आप भविष्य में अपना अच्छी तरीके से अपना काम कर सकें। यहाँ पर जो भी सारे स्टूडेंट आते हैं वो पूरा कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, OC रिपेयरिंग है, MMC प्रोग्रामिंग, अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, जितने भी सारे काम होते हैं, सारे काम को फुल अच्छी तरीके से कंप्लीट होकर के काम करते हैं, ताकि उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको FRP बाईपास करने का तरीका बताया हुआ है, और ये ट्रेनिंग सेंटर जो पड़ता है ये कानपुर सेंट्रल के मात्र 300-400 मीटर दूरी पर सागर मार्केट में पड़ता है, और यहाँ पर अगर कोई लोग आना चाहें तो आप आराम से आ सकते हैं। यहाँ का जो एड्रेस पड़ता है वो अजंता टावर एक्सप्रेस रोड सागर मार्केट कानपुर, इस नाम से इसका एड्रेस है। आप चाहे तो आराम से आ सकते हैं, और कोई भी जानकारी चाहिए तो नंबर से पहले संपर्क कर सकते हैं, या दिन में सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लास चलती है। किसी भी टाइम पर आप चाहो तो वीडियो कॉलिंग करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो कि कैसे क्लास चल रही है, किस तरीके से सारे स्टूडेंट सीख रहे हैं, या आप आएंगे तो कैसे सीखेंगे, रहने की सारी सुविधा क्या है, खाने पीने की सुविधा क्या है, कितने समय में कोर्स को सीखा जा सकता है, ये सारी बातों का आप जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू दोस्तों।